मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो लेक्चर डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर का 12th वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस के बारे में। तो डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर के वीडियो लेक्चर 3 में मैंने बताया था डेटा मॉडल के बारे में कि डेटा मॉडल 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट को रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल बोलते हैं, दूसरे को ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल बोलते हैं और थर्ड को फिजिकल बेस्ड डेटा मॉडल बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल को भी मैंने डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर के वीडियो लेक्चर 5 में एक्सप्लेन किया था और बताया था कि ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल 2 टाइप्स के होते हैं। एक को एंटिटी रिलेशनशिप बोलते हैं और दूसरे को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस बोलते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं उसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस के बारे में बताऊंगा। तो मैं अनिल के शर्मा आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, तो देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस क्या है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस को समझने से पहले थोड़ा सा समझते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस जो है क्या है, वो क्या सपोर्ट करता है। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सपोर्ट ए स्मॉल फिक्स्ड कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स दैट इज इंटीजर, डेट्स, स्ट्रिंग, ETC, विच इज एडिक्वेट फॉर ट्रेडिशनल एप्लीकेशन डोमेन्स सच एज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग। तो रिलेशनल डेटाबेस जो है वो सपोर्ट करता है स्मॉल और फिक्स्ड कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स को, जैसे इंटीजर हो गया, डेट्स हो गया, स्ट्रिंग्स वगैरह को ये सपोर्ट करता है, जो कि सफिशियंट है, एडिक्वेट है, पर्याप्त है ट्रेडिशनल एप्लीकेशन के लिए। ट्रेडिशनल एप्लीकेशन जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव और बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए ये सफिशियंट है। साथ ही साथ RDBMS सपोर्ट करता है वेरी हाई लेवल क्वेरीज को सपोर्ट करता है, ये क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन को सपोर्ट करता है कि क्वेरी की परफॉर्मेंस सही आ रही है नहीं आ रही है, वो सब। ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता है, बैकअप और क्रैश रिकवरी को भी ये सपोर्ट करता है। बट ये जो रिलेशनल मॉडल है, ये जब CAD की बात आती है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन की जब बात आती है, तो उसको ये सपोर्ट नहीं करता, यानी कि CAD के डेटा को ये सपोर्ट नहीं करता है। CASE केस, जिसको कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोलते हैं, इसके डेटा को RDBMS सपोर्ट नहीं करता है। ज्योग्राफिकल डेटाबेसेस को ये सपोर्ट नहीं करता है, मल्टीमीडिया डेटाबेसेस, टेलीकम्युनिकेशंस डेटाबेसेस, साइंटिफिक प्रोडक्ट्स डेटाबेस, मॉलिक्यूलर साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी के जो डेटाबेसेस है, इनको RDBMS सपोर्ट नहीं करता है। तो इनके सपोर्ट के लिए ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस को जो है डेवलप किया गया है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज स्ट्रांगली डेवलप्ड टू एनहेंस डेटाबेस सपोर्ट फॉर कॉम्प्लेक्स डेटा एंड लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट डेटाबेस सिस्टम। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को स्ट्रांगली डेवलप किया गया है ताकि वो डेटाबेस को सपोर्ट कर सके, और कैसे डेटाबेस के, कॉम्प्लेक्स डेटाबेस को ये सपोर्ट कर सके। तो कॉम्प्लेक्स डेटाबेस यही होते हैं, CAD वाले डेटाबेस, केस वाले डेटाबेस, ज्योग्राफिकल डेटाबेस और जो है मल्टीमीडिया का जो डेटाबेस है, टेलीकम्युनिकेशन, साइंटिफिक प्रोडक्ट्स, मॉलिक्यूलर साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी के जो डेटाबेस होते हैं, ये सारे कॉम्प्लेक्स डेटाबेस होते हैं। तो इन्हीं को सपोर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को डेवलप किया गया और इस तरीके से ऑब्जेक्ट डेटाबेस सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस सिस्टम्स आर ऑल्टरनेटिव टू रिलेशनल डेटाबेस एंड अदर डेटाबेस सिस्टम। तो रिलेशनल डेटाबेस और अदर डेटाबेस सिस्टम जो है उसका ऑल्टरनेटिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस को बनाया गया, मतलब रिलेशनल डेटाबेस से एडवांस फीचर्स जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में डाले गए, जो सपोर्ट करता है
कॉम्प्लेक्स डेटाबेस को, यानी कि ज्योग्राफिकल डेटाबेस, मल्टीमीडिया डेटाबेस, साइंस, मॉलिक्यूलर साइंस, एस्ट्रोनॉमी आदि के डेटाबेस को ये सपोर्ट करता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इंफॉर्मेशन को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो डेटाबेस है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना लिए जाते हैं और हर ऑब्जेक्ट में जो है एंटिटी के जो एट्रीब्यूट्स के नेम होते हैं वो सारे डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट में अलग अलग बहुत सारे एंटिटी के एट्रीब्यूट्स नेम को डिक्लेयर किया जाता है और उसको बाद में फिर कॉल कर लिया जाता है। तो बेसिकली ये जो है जावा और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा यही जानना था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस होता क्या है। तो बस इतना ही समझना है कि रिलेशनल डेटाबेस जो है वो कॉम्प्लेक्स डेटाबेस को सपोर्ट नहीं करता है, जिसमें कि ज्योग्राफिकल का डेटाबेस, मल्टीमीडिया का डेटाबेस, टेलीकम्युनिकेशन का डेटाबेस, साइंटिफिक प्रोडक्ट्स के डेटाबेस, मॉलिक्यूलर साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी के डेटाबेस को रिलेशनल डेटाबेस सपोर्ट नहीं करता है। तो इनको सपोर्ट कराने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का डेटाबेस बनाया गया है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का डेटाबेस सबसे ज़्यादा यूज होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि जावा और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। तो आपको बस इतना ही समझना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का डेटाबेस क्या है, बाकी इसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं, कैसे ये इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, तो ये ओरेकल डीबीए डेवलपर और डेटाबेस के प्रोग्रामिंग में इसको करने की बहुत डीप करने की ज़रूरत नहीं है। तो इट इज़ exactly same as object oriented programming language. तो object oriented programming language जैसे कि Java हो गया, C++ हो गया, तो उसमें जो object oriented के features जो use किए जाते हैं वही सारे features जो है object oriented database में होते हैं। मतलब object oriented का database हम कह सकते हैं कि Java और C++ language में use किए जाते हैं। उसके बाद If we combine the features of relational model, transaction, concurrency, recovery to object-oriented database, the resultant model is called as object-oriented database model. तो object-oriented database model क्या होता है? जब हम relational database के कुछ features, जैसे कि transaction, concurrency, control, recovery को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस के साथ मिक्स कर देते हैं, तो मिक्स करने के बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल तैयार हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस बेसिकली यही है, लेकिन जब आप जावा की लैंग्वेज करेंगे, जब आप सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे, तो उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस के कौन कौन से फीचर्स होते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट एक उसका फीचर होता है, उसके बाद क्लास उसका फीचर होता है, उसके बाद जो है इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस के फीचर्स होते हैं। तो जावा और सी प्लस प्लस जैसे लैंग्वेज में जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस को इम्प्लीमेंट कैसे किए जाते हैं, तो वो सब सिखाया जाता है। हमारा जो ये वीडियो है, ये वीडियो सिर्फ ओरेकल डीबीए डेवलपर और डेटाबेस की प्रोग्रामिंग के लिए जो है डाले जा रहे हैं। तो ओरेकल डीबीए में जो जो यूज़ होता है वही सारी चीज़ें यहाँ पर समझाई जा रही है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस जो इस स्लाइड में मैंने जितना समझाया है उतना सफिशियंट है आगे ओरेकल डीबीए डेवलपर और डेटाबेस के प्रोग्रामिंग में अपना करियर बनाने के लिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस का यहाँ पे एक डायोग्राम है, तो जिसमें ये बताया गया है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस को कैसे बनाया गया है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में ऊप्स प्लस आरडीबीएमएस के
जो है फीचर्स डाले गए हैं। तो ऊप्स का मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स, और RDBMS का मतलब है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फीचर्स। इन दोनों को कंबाइन करके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का डेटाबेस तैयार किया गया है। तो यहाँ पर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसके फीचर्स है पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस और एनकैप्सुलेशन। तो ये सारे फीचर्स प्लस रिलेशनल डेटाबेस के जो फीचर्स है, इंटीग्रिटी, कंकरेंसी और क्वेरी प्रोसेसिंग, ये सारे फीचर्स, इन सब को आपस में मिला करके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस को डेवलप किया गया है। तो ये था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का डेटाबेस। बाकी देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस के बेसिक फीचर्स क्या होते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस के बेसिक फीचर में पहला जो फीचर है वो है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस के फीचर्स में ऑब्जेक्ट है। तो बेसिकली जब हम जावा या C++ लैंग्वेज जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें सिखाया जाता है कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो एक प्रोग्राम जब बनाया जाता है, जावा, लेट सपोज जावा का लैंग्वेज ले लेते हैं, तो एक प्रोग्राम जब बनाया जाता है तो उसमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो टेबल्स की एंटिटी होती है, जैसे एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, तो एम्प्लॉय ID, नेम, सैलरी की एट्रीब्यूट जो ये होते हैं, इसको इंटीजर, स्ट्रिंग वगैरह या नंबर वगैरह के फॉर्म में इसको डिक्लेयर करके जो है एक पूरा ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। उसके बाद एक दूसरा ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं इसी तरीके से, वहाँ पे डिपार्टमेंट ID, DPT, नेम या कुछ भी एट्रीब्यूट ले सकते हैं। उसी तरीके से हम तीसरा एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, चौथा एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, यानी कि जितने ऑब्जेक्ट हमें चाहिए उतने ऑब्जेक्ट बना करके हम जो है उसमें एट्रीब्यूट के नेम डिक्लेयर कर देते हैं। और डिक्लेयर करने के बाद हर ऑब्जेक्ट को हम एक मेन प्रोग्राम बना करके उसमें उस ऑब्जेक्ट को, जिन जिन ऑब्जेक्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है, उन उन ऑब्जेक्ट को हम कॉल कर लेते हैं, फेच कर लेते हैं। तो बेसिकली ये जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिखाया जाता है। तो इसकी ज़रूरत यहाँ नहीं है, क्योंकि हम जो है बेसिकली फोकस कर रहे हैं कि ओरेकल DBA डेवलपर और डेटाबेस की प्रोग्रामिंग में जो है जाने के लिए फोकस कर रहे हैं। उसके बाद इसके अंदर दूसरा फीचर होता है क्लास। तो एक क्लास बनाया जाता है, उस क्लास के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन का फीचर होता है, उसमें कुछ फीचर्स हम चाहते हैं उस प्रोग्राम के अंदर छुपाना तो वो छुपा सकते हैं। एनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है। तो ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस के ये सारे फीचर्स हैं जो आप C++ या जावा जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब आप करते हैं तो इन सब के ऊपर, इन सब को, इन सब के फीचर्स बताए जाते हैं और उनके ऊपर प्रोग्राम्स वगैरह बनवाए जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस कराई जाती है। तो यहाँ पर हमारा इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ हमारा मोटिव ये था कि हम ये जान सके कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस क्या है, बाकी उसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं, उसमें प्रोग्राम्स वगैरह कैसे बनता है। तो वो सब हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो जावा लैंग्वेज या C++ लैंग्वेज में जो जाना चाहते हैं तो उनको जो है ये सारे फीचर्स समझने और जानने की ज़रूरत है। तो डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर का ये जो 12th वीडियो लेक्चर है ये इतना सा ही था और ये यहीं पर फिनिश होता है। बाकी जो है डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर का एक वीडियो लेक्चर 13th और आएगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि फिजिकल डेटाबेस क्या है, और उसके बाद जो है डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर का हमारा सारा वीडियो लेक्चर फिनिश हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम एक नए टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।